हेलो एवरीवन, वेलकम टू rsakarwal.com। आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट फाइव है ये, ठीक है। तो ओवरऑल पार्ट फाइव है जिसके अंदर आज हम वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन को, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11, उनका सम निकालना है। सबसे पहले तो थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर जो कि 11 के मल्टीपल्स है वो निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, देखो 99 जो है वो 11 इंटू 9 है। उसके अगला जो 11 का मल्टीपल होगा वो 99 में 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 110, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर जो हमें मिला थ्री डिजिट का नेचुरल नंबर चाहिए हमें जो कि क्या हो, 11 का मल्टीपल हो, वो कितना है, 110। उसके अगला नंबर क्या होगा, 121, फिर 11 ऐड करोगे 132 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 90 जो होता है वो कितना होता है, 990, और 990 में अगर आपने 11 ऐड किया तो फिर वो चार डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यानी कि लास्ट 11 का मल्टीपल जो थ्री डिजिट का है वो कितना है, 990, क्लियर। तो अब देखो हमें क्या बताना है, सम निकालना है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे फिर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने हैं यहां पे, इसको मैं लिख सकता हूं 11, अगर मैं देखूं इसको एपी का फॉर्मूला से नंबर ऑफ टर्म्स निकालूं तो देखो कैसे निकलेंगी, इस तरह से फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, 110, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 बढ़ रहा है सब में, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 11 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएंगे, अगर मैंने इसको बोला ये nth टर्म है, 990 इज nth टर्म, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन, या फिर 990 जो होगा ए एन की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मैंने अगर ए और डी की वैल्यूज रखी तो मुझे 990 मिलना चाहिए। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, 990 इज इक्वल टू ए यानी कि 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, 11, तो 11 टाइम्स एन माइनस वन, ओके 11 से सबको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 11 से कैंसिल करोगे 90, 11 से कैंसिल करोगे 10, और यहाँ आ जाएगा प्लस n माइनस वन, ठीक है। तो कितना आ गया ये, यहाँ से n, ये आ गया n प्लस 9 हो गया मेरा, ये किसके इक्वल आया, 90 के, या फिर n इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 81 आ गया, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस एल, ए प्लस एल, जहां पे एल मेरा क्या होता है, एल इज माय लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे एल, यहां पे इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू कितनी है, 990 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म मेरा कितना है वो तो हमें पता ही है, 110 है, बस इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 बाय 2 इंटू ए प्लस एल का मतलब 110 प्लस 990, कितना हो गया, 990 में 100 ऐड करोगे 1090, उसमें और 10 ऐड कर दो तो 1100 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 81 इंटू 2 से कैंसिल करेंगे तो 550 आ गया। अब देखो 81 इंटू 550 कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, 55 इंटू 81 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40, पहले 55 इंटू 81 करेंगे और फिर इंटू 10 कर देंगे तो 55 इंटू 8 कितना हो गया मेरा, 440 हो गया, 440 इंटू 10 4400, और 4400 में 55 इंटू 1 और ऐड करो तो 4455 आ गया, ठीक है। यह आया 81 इंटू 55 और एक जीरो और लगा दो, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर, क्लियर, 44550, ये आया मेरा सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर जो कि 11 के मल्टीपल्स है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इट प्रोड्यूस्ड 1600 सेट्स इन सिक्स ईयर एंड 22600 सेट्स इन नाइन्थ ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देखो सिक्स ईयर के अंदर अगर इतने प्रोडक्शन मतलब उसके सेट्स आए तो कितना आएगा, और नाइन्थ ईयर के अंदर आए 22600, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ 16000 होना चाहिए, यहाँ पे ये कम लग रहा है मुझे नंबर, यहाँ पे 16000 लिखो, ठीक है। तो 16000 सेट्स इन सिक्स ईयर और 22600 इन नाइन्थ ईयर, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज था इसलिए मैंने 16000 होगा यहाँ पे। अब हमें देखो, अब हम सिक्स टर्म है एक तरह से, ये मेरा
एपी बन रहा है क्योंकि यहां पे क्या है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, एपी बन जाएगा। तो ये सिक्स ईयर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी होता है, सिक्स माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी की बन है 16,000, ठीक है ये 100 ना होगा 16,000 होगा। और ए नाइन यहां पे जो है नाइन्थ ईयर के अंदर जो सेट्स आए वो कितना है ए प्लस एट डी हो जाएगा, नाइन माइनस वन एट डी, इसकी वैल्यू कितनी है 22,600 के। ओके अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3D की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 6,600 आ जाएगी 3D की वैल्यू मेरे पास, क्लियर 22,600 में से 16,000 माइनस करा तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3 से डिवाइड करोगे तो 2200, ठीक है D 2200 आने का क्या मतलब है हर ईयर 2200 सेट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं पिछले वाले ईयर से, तो यानी कि एपी बन गया। अब डी की वैल्यू पता चल चुकी है, ए की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पे उठाकर डी की वैल्यू को इधर प्लेस कर दो तो क्या आएगा ए प्लस 5D, 5D का मतलब 5 × 2200 वो क्या हो गया 11,000, ये मेरा किसके इक्वल है 16,000 के, ठीक है। तो यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 16,000 माइनस 11,000 विच इज 5,000 आ गया। ओके तो ए इज 5,000, ए का क्या मतलब है पहले ईयर के अंदर कितने सेट्स प्रोड्यूस हुए, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया मेरा 5,000, ठीक है दिस इज माय आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि एट्थ ईयर के अंदर कितने प्रोड्यूस हुए होंगे एट्थ ईयर के अंदर, ठीक है, और लास्ट पार्ट में फर्स्ट सिक्स ईयर्स में। चलो सेकंड पार्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एट्थ ईयर के अंदर कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए होंगे, तो एट्थ ईयर के अंदर ए एट होंगे प्रोड्यूस विच इज इक्वल टू ए प्लस 7D, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी पता है डी की वैल्यू भी पता है, ए कितना है 5,000 प्लस 7D, 7 इंटू डी कितना है डी इज 2200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5,000 प्लस 2200 इंटू 7 कितना हो गया 154 और उसके आगे दो जीरोस 15,400, क्लियर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20,400 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ टीवी सेट्स मेरे प्रोड्यूस हुए होंगे एट्थ ईयर के अंदर, और नाइन्थ ईयर के अंदर कितने हो रहे हैं 22,600 हो रहे हैं, ठीक है। 2200 इसमें और ऐड करोगे तो यही आ जाएगा 22,600। ओके लास्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका आंसर आ गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर कितना आया मेरा, इसका आंसर आया मेरा 22,400, ये बी पार्ट का आंसर आया, ये ए पार्ट का आंसर था। और लास्ट पार्ट फर्स्ट सिक्स ईयर्स के अंदर कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए होंगे फर्स्ट सिक्स ईयर्स, यानी कि अगर हमें सॉल्व करना है कि फर्स्ट सिक्स ईयर्स में कितने प्रोड्यूस हुए होंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द सेट्स प्रोड्यूस इन वन से लेके सिक्स ईयर तक, ठीक है, यानी कि मुझे एस सिक्स निकालना है थर्ड पार्ट के लिए, सम ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस इन फर्स्ट सिक्स ईयर्स, ठीक है। तो एस सिक्स का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, वो होगा एन बाई टू यानी कि 6/2 इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यहां पे एन की वैल्यू 6 है तो एन माइनस वन यानी 6 - 1 5D आ जाएगा यहां पे, क्लियर। अब देखो ए की वैल्यू कितनी थी हमें पता है, ए था हमारा कितना 5,000 और डी कितना आ रहा था मेरा 20, डी कितना आ रहा था देख लेते हैं एक बार, 2200 था ना डी, 2200 था सही है, तो डी की वैल्यू 2200 बस इसके अंदर प्लेस करो और आंसर आ जाएगा 6/2 is 3 तो एस सिक्स कितना आ जाएगा 3 times 2A का मतलब 2 × 5,000 यानी कि 10,000 हो गया प्लस 5D का मतलब कितना है 5D यानी कि 5 × 2200 विच इज अगेन 11,000, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो 10 और 11 21,000 आ गया, ये उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 63,000। तो पहले 6 सालों में कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए 63,000, ये मेरा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, आया समझ। ये था क्वेश्चन, सिंपल सम ऑफ टर्म्स के ऊपर ये क्वेश्चन था, सम ऑफ एन टर्म्स पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउसेस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, ठीक है 1, 2, 3, 4 से लेके ऐसे 49 तक नंबरिंग की गई है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स,
यानी कि देखो क्या कहने का मतलब है, इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो बेसिकली क्या बोला इसने कि 1, 2, 3 से लेके कैसे कैसे लास्ट जो है मेरा वो 49 नंबर तक हाउसेस नंबरिंग की गई है, नेम्ड है। अब इसके अंदर बोला है हमें कि एक पॉइंट ऐसा हाउस नंबर है, कोई एक ऐसा हाउस नंबर होगा एक्स हाउस नंबर, ठीक है एक्स हाउस नंबर 1 से 49 तक जा रहे हैं तो एक्स कोई हाउस नंबर होगा, जिसमें क्या बोला इसने सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, हाउस नंबर एक्स को प्रीसीड करने वाले कितने हाउसेस हैं ये सारे, ठीक है देयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। एक्स नंबर हाउस से पहले वाले जितने भी हाउसेस होंगे, ठीक है तो देखो यानी कि कहने का इसका मतलब है कि एक्स से पहले वाला जो हाउस होगा उससे पहले वाले हाउस कितना हो गया, ये लास्ट वाला हाउस यहां होगा x-1 हाउस नंबर होगा ये मेरा, और यहां पे फिर x+1 से स्टार्ट होते होते मेरा 49 तक जाएगा। यहां से लेके यहां तक का सम जितने भी हाउसेज हैं प्रीसीडिंग हाउस नंबर x, 1 से लेके x-1 हाउसेज नंबर का सम किसके इक्वल है, हेड x जो हाउस नंबर है उसको जो सक्सीड करने वाले हाउसेज हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट या सक्सीड करने वाले हाउसेस हैं उनके सम के इक्वल, यानी कि इन दोनों यहां जो मैंने लिखा x+1 से कहां तक जा रहे हैं हम 49 तक जा रहे हैं, ठीक है ये जितने भी हाउसेस होंगे इन हाउसेस का सम नंबर ऑफ हाउसेस का सम इसके इक्वल है। तो बस अब हमें दो इक्वेशन बनानी और सॉल्व करना है इसको, ठीक है और हाउसेस जो है वो हर बार 1-1 नंबरिंग से बढ़ रहे हैं, ठीक है 1 to 49 है और बढ़ कितने से रहे हैं? एक से पहले 1, 2, 3, 4 यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 1। क्लियर अब देखो कैसे आएगा सम कैसे आएगा, ये 1 से लेके x-1 तक कितने टर्म्स हो गए, ये मेरे x-1 टर्म्स हो गए, तो पहले मुझे s x-1 जो है ठीक है इन टर्म्स का सम निकालना होगा। तो कैसे आएगा नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू a+l करते हैं हम, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 1 + x-1 n/2 a+l होता है ना, तो 1 + x-1 हो गया। ये किसके इक्वल है, ये है x+1 से लेके 49 हाउस जो नंबर है उसके सम के इक्वल तक। अब देखो इस वाले सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं कैसे निकालेंगे हम लोग, एक एक से बढ़ रहे हैं तो इस वाली सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, 49 माइनस ये वाला हाउस लास्ट हाउस नंबर माइनस फर्स्ट हाउस नंबर प्लस 1, तो इस वाले सीरीज में कितने हाउस हो गए, मैं यहां पे साइड में निकाल के दिखाता हूं, इस वाले सीरीज में जो हाउस हो गए वो हो गए 49 माइनस लास्ट हाउस नंबर माइनस फर्स्ट हाउस नंबर प्लस 1, 49 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 49 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स। क्लियर इतने नंबर ऑफ हाउसेज हो गए या इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसका हमें सम करना है, बात समझ में आई। तो यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 49 माइनस एक्स अपॉन में 2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म इज x+1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 49, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास x+50। क्लियर यही फॉर्मूला होता है n/2 इनटू a+l सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, बस इसको इक्वेट कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो यहां से अब इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है इसको हटा देते हैं। देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 2 से 2 सबसे पहले कैंसिल, माइनस 1 और 1 कैंसिल, तो क्या बचा x(x-1) इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास x+50 × 49 - x, या फिर इसको ऐसे लिख लो 50+x × 49 - x, ये आ गया। क्लियर इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ जाएगा x²-x इज इक्वल टू 50 × 49 कितना हो गया 2450 और ये -50x + 49x, तो ये क्या हो गया फिर से माइनस एक्स ही आ गया, -50x + 49x करोगे तो माइनस एक्स आ गया और यहां पे क्या आ जाएगा -x² आ गया। क्लियर x(-x), अब -x से -x क्या हो जाएगा कैंसिल और आपको देखो क्या मिल गया यहां से 2x² की वैल्यू आ गई
2x² = 2450, तो x square कितना आ गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1225। ठीक है, इसको भी रेस कर दो, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब x² = 1225, बताओ आ गया ना आंसर हमारा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कितनी आ जाएगी, 35 या फिर -35। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया। लेकिन जो हाउसेस थे वो तो 1 से स्टार्टिंग हो रही थी उनकी नंबरिंग, 1, 2, 3, 4 से लेके कहां तक जा रहे थे हम लोग, 49 तक। तो माइनस वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई, 35, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो x की वैल्यू कितनी आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 35। दिस इज माई आंसर, क्लियर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था। ठीक है, इस तरह से कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपको एक एपी गिवन है इस तरह से 1, 2 से लेकर लेटर से एन तक, यहां पे एपी गिवन है, या 2, 1 से स्टार्ट ना करके कहीं किसी और नंबर से स्टार्ट की गई है। मान लो इसको मैंने 4 से स्टार्ट किया, 4, 5 से लेके 4, 5, 6 से लेके मैंने 11 तक स्टार्ट किया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हो आप, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं, 11 - 4 + 1 विच इज 8 टर्म्स है इस एपी के अंदर। ठीक है, वही चीज मैंने वहां यूज करी थी, 49 लास्ट नंबर टर्म था, पहला टर्म था एक्स हाउस के बाद वाला जो पहला टर्म था विच इज एक्स प्लस 1, तो हमने वही यूज करके ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को, है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके अंदर थोड़ा सा आपको एनालाइज करना आना चाहिए और फिर इक्वेशन भी बनी थी, फिर थोड़ी सी कैलकुलेटर। ओके, चलो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। देखो क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ₹700 को 7 स्टूडेंट्स में देना है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हर प्राइस जो है अपने प्रीसीडिंग वाले प्राइस से 20 कम है, यानी कि अगर मैंने पहले वाले प्राइस को बोला ₹X का है तो उसके अगला वाला प्राइस कितने का है, X - 20। ठीक है, कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस हैं। ठीक है, तो 7 प्राइजेस है, तो हम ज्यादा टर्म्स नहीं है तो लिख ही लेते हैं पूरा। नेक्स्ट क्या होगा, ये दो टर्म्स हो गए, अगला होगा 20 और कम X - 40, नेक्स्ट 20 और कम X - 60, X - 80, X - 100, कितने हो गए X - 120 टर्म्स हो गए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 टर्म्स पूरे हो गए, बस यही हमारे कैश प्राइजेस हैं, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, इनका सम कितना गिवन है, 700। ठीक है, तो बस सिंपली इन सबको ऐड करो, और मैंने यहां इसको एपी का यूज ना करके सीधे ही आपको 7 के 7 टर्म्स लिख के दिखा दिए। ठीक है, आप चाहो तो फर्स्ट टर्म लिखो, उसके बाद लास्ट टर्म निकालो a + n - 1 × d करके, बट क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, क्योंकि यहां 7 ही प्राइसेस गिवन है, इसीलिए मैंने सीधा 20 मतलब 7 वैल्यूज को लिख दिया 20-20 माइनस करके। ओके, इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा, 1, 2 कितने बार है, 1, 3, 4, 5, 6 और 7 बार, यानी कि 7x, और बाकी सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 और 40, 60 and 60, 120 और 80, 200 + 100, 300 और 120, कितना हो गया, 420, वो भी माइनस साइन के साथ, और ये टोटल सम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है, 700। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, X - 60 = कितना, 100, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 160। क्लियर, तो यानी कि पहला प्राइस जो आया, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, प्राइजेस क्या क्या हो गया, मेरा पहला प्राइस 160, दूसरा 140, फिर 120, फिर 20 कम और 100, 80 और फिर 60, और कहां तक जाने, और लास्ट प्राइस कितने का हो गया, 40 का। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 7 प्राइजेस हो गए, इतने इतने रुपीज के सारे प्राइजेस हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, हम चाहें तो इसको फिर वही सम ऑफ एंड टर्म से भी निकाल सकते हैं, बट छोटे क्वेश्चन होने की वजह से मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो और क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज। तो देखो क्या किया आज हमने, इन दिस वीडियो वी डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आगे नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपलर फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपलर के अंदर जो अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।